नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सेठी। आज की इस वीडियो में मैं गोल सेटिंग के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों, 2024 आने वाला है और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। नया साल है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए ड्रीम्स हैं और कुछ पुराने भी हैं। मोस्टली पुराने ज़्यादा हैं, नए तो बहुत कम है। दोस्तों, पिछले कई सालों से ये सोचते हैं कि मैं साल के शुरू में आप टारगेट लेते हैं और साल के अंत तक वो टारगेट आपका पूरा नहीं हो पाता है। उसके पीछे कई लैक पॉइंट्स हैं, कई हमारी नाकामी हैं जिसको हम कवर नहीं कर पाते हैं, जिससे हम सीख नहीं पाते हैं, जिससे हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि जो भी आप इस साल टारगेट लें वो आपका टारगेट ईजिली अचीवेबल हो जाए। होप्स आपके वो टिप्स काम आएंगे। दोस्तों, अगर आपको अपना टारगेट पूरा करना है, आपके पास चार चीज़ें होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास आपका टारगेट होना चाहिए, मुझे चाहिए क्या साल के अंत तक, वो आपको क्लियर कट आपके माइंड में होना चाहिए। सेकंड, उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल को पूरा कैसे करना है, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। थर्ड, आपके पास उस प्लानिंग को एक्चुअल हकीकत में बदलने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक्शंस लेने हैं। आप एक्शंस में क्या करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। एंड फोर, सिंपल, उस एक्शंस को आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। गोल योर टारगेट, टारगेट योर गोल, इट शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब SMART, एस फॉर स्पेसिफिक। आपको आपका टारगेट बहुत स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, मुझे चाहिए क्या। मान लीजिए आप साल का आपका एनुअल पैकेज है, चाहे आपकी एनुअल इनकम 4 लाख है, आपको इस साल 5 गुना कमाना है। मान लीजिए आपको 20 लाख तक पहुंचना है, राइट? मान लीजिए आपको 20 लाख तक पहुंचना है, तो ये 20 लाख है, ये आपका टारगेट है, ये आपको स्पेसिफिक है, ये आपको क्लियर कट है कि मुझे इस साल हर दिन, हर रोज़, हर हफ्ता, हर महीना, हर क्वार्टर इस 20 लाख के लिए काम करना है, राइट? एंड फॉर मेजरेबल, आपका जो टारगेट है वो मेजरमेंट में आना चाहिए। मान लीजिए आपने शुरुआत की जैन महीने से, एंड जैन महीने में आप जो भी अपने एक्शंस लें, जो भी आप काम करें, आप उसको मेजर कीजिए कि मेरी प्रोग्रेस कितनी हुई है, मैं अपने गोल के कितने करीब पहुंच पाया हूं। ए फॉर अचीवेबल, आपका जो टारगेट है वो अचीवेबल होना चाहिए। मान लीजिए फिर एग्जांपल लेंगे जैन मंथ की, आप साल का 20 लाख कमाना चाहते हैं, पर आप ये ठान लें कि यार इस जैन महीने मुझे कम से कम 4 से 5 लाख कमाना है, तो ये अचीवेबल नहीं है मेरे हिसाब से। कम से कम अगर आप महीने का 30-40 कमा रहे हैं या 25-30 कमा रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, आप जैन का टारगेट लीजिए कि मुझे 50-60-70 तक पहुंचना है। ये आपका टारगेट आप एक लिख लीजिए, जो मुझे 50 तक पहुंचना है, 60 तक या 70 तक पहुंचना है, यानी कि आपको वो आपका इजिली अचीवेबल हो, राइट? आर फॉर रियलिस्टिक, आपका जो भी गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि हवाई के लिए नहीं होने चाहिए, कोई सपने नहीं होने चाहिए, मैंने उड़ के जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, कोई हवाई के लिए ना हो, हकीकत में जो हो सकता हो वही चीज़ आपको सोचनी है, वही चीज़ का आपको टारगेट लेना है। टी फॉर टाइम बाउंड, आपका जो टारगेट है वो टोटली टाइम बाउंड होना चाहिए कि मुझे ये चीज़, देखिए इट डजेंट मैटर यू वॉन्ट अ थिंग, थिंग्स मैटर डैट अप टू वेन यू वॉन्ट डैट थिंग, आपको वो चीज़ कब चाहिए। मान लीजिए आपको गाड़ी चाहिए, कोई भी गाड़ी चाहिए आपको, मान लीजिए आपको स्कोडा चाहिए, कब चाहिए? स्कोडा सबको चाहिए, हर बंदा उसकी डिमांड रखता है, बट मुझे चाहिए कब, उसकी डेट लिखिए, उसका टाइम डिफाइन कीजिए। सो आपका कोई भी टारगेट, आपका कोई भी गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। अब बात करेंगे जो मैंने आपको बोले कि आपके पास चार चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल, आपके पास गोल क्लियर है कि मुझे 20 लाख चाहिए। अब इस गोल को पूरा करने के लिए आपको प्लानिंग करनी है। आप इस प्लानिंग को आप डिवाइड कीजिए, इस प्लानिंग को आप क्वार्टरली डिवाइड कर लीजिए अपने टारगेट को। क्वार्टरली सेंस की, मान लीजिए 20 लाख पूरे साल का टारगेट है, फर्स्ट क्वार्टर में लेके चलिए कि मुझे कम से कम अपने कारोबार, अपने बिजनेस से 3 लाख जनरेट करना है। नेक्स्ट क्वार्टर में उसको आप कम से कम ले जाइए 5 लाख तक, 8 लाख हो गया। उसके जो थर्ड क्वार्टर है उसमें आप ले जाइए कम से कम इसको आप 6 लाख तक, 8 और 6 कितना हो गया, 14 लाख हो गया। लास्ट क्वार्टर उसको फिर 6 लाख में डिवाइड कर लीजिए, और मे बी अगर आप लास्ट क्वार्टर का 6 लाख लेके चलेंगे तो शायद आपका दिसंबर होने से पहले ही वो कवर हो जाएगा। यानी कि आपको अपने टारगेट को डिवाइड करना है। अब इसको आप क्वार्टरली डिवाइड करके इसको आप मंथली डिवाइड कर लीजिए। मान ली हमारे पहले को मंथ का टारगेट है 3 लाख, तो जो जैन मंथ है इसमें आपकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, यानी कि जब आप कोई भी एरोप्लेन देखो टेक ऑफ करता है तो शुरू में उसकी जान लगती है, ताकत लगती है, उसकी स्पीड कम होती है। तो आप अगर जैन का टारगेट लेके चल रहे हैं, क्वार्टर का टारगेट आपका 3 लाख है, तो जैन का टारगेट आप कम से कम 70-80 हज़ार तक का रखिए अपना, क्योंकि
धीरे धीरे आपके कस्टमर बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ती है, आप टीम के साथ काम करते हो, आपकी टीम फैलती चली जाती है, तो जितने आपके टीम फैलेगी उतना आपका टारगेट आपको अचीव करना आसान हो जाएगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो वो। तो पहले आपको कम से कम 70-80 हज़ार का टारगेट लेके चलना है, 50-60 हज़ार के जितना भी आप लेके चलें, तो उस अब मंथली टारगेट को आप डिवाइड कर लीजिए वीकली में, यानी कि मान लीजिए आपने 60 हज़ार तक का टारगेट लिया है, तो फर्स्ट वीक में कम से कम आप काम कीजिए नियर अबाउट 10 से 12 हज़ार तक के लिए। तो 10 से 12 हज़ार ही वीक का टारगेट हो गया, अब इस टारगेट को आप डेली में कन्वर्ट कर लीजिए कि मुझे अब इस वीक में 10 से 12 हज़ार अचीव करना है, तो फर्स्ट डे मुझे जो अपनी सेल है वो कम से कम 2 हज़ार तक की करनी है। अब 2 हज़ार के लिए आपको कितने कस्टमर से मिलना है, कितनी आपको फ़ोन कॉल्स करनी है, कितनी आपको इन्विटेशन देनी है, कितनी आपको मीटिंग्स करनी है, कितना प्रोडक्ट आपको सेल आउट करना है, ये चीज़ आपके पास सब कुछ आपको ये क्लियर कट होना चाहिए, और ये सब चीज़ आप अपनी कॉपी पे नोटबुक पे नोट कर लीजिए। देखिए प्लानिंग आपकी कच्ची नहीं होनी चाहिए, प्लानिंग आपकी पक्की होनी चाहिए, और आपके पास प्रॉपर बिजनेस प्रमोशनल का मटेरियल होना चाहिए, आपके पास जो भी टूल्स हैं आप उसको प्रॉपर यूज़ कीजिए। आप मैदान में बिना टूल्स के जाएंगे तो आपको शिकस्त ही मिलेगी, यानी कि आप हार के वापस आ जाएंगे। हमारे जितने भी फौजी हैं अगर मैदान में जा रहे हैं, अगर उनके पास प्रॉपर असला हथियार है तो वो दुश्मन को मार के आएंगे, अगर वो खाली आ जाएंगे तो मर के आ जाएंगे। तो आप जैसे ही मार्केट में निकलते हैं तो आप फुली लोडेड होने चाहिए, आप अपने टूल्स के साथ, अपने बिजनेस ब्रोशर्स हैं आपके पास, बिजनेस के कुछ कैटलॉग्स हैं, कुछ भी है, सैंपल्स हैं आपके पास, हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। यानी कि आपको आपके साल का टारगेट स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना है, और आपको ये डेली देखना है कि आज जो मैंने टारगेट लिया था वो शाम तक पूरा हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए आपको जो एक्शंस आपके बड़े क्लियर कट होने चाहिए, आपके माइंड में ये प्रॉपर होना चाहिए कि यार अगर मुझे 2000 रुपये की सेल करनी है एक्शंस में, तो मुझे कम से कम आज 10 कस्टमर से मिलना पड़ेगा, मान लीजिए एक दिन की सेल, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि अगर आप 10 कस्टमर से मिले उसमें से 3 लोग आपको हाँ करते हैं, 3 या 1 तक पहुँचता है। तो आपको ये पूरा क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतनी सेल निकालने के लिए इतने लोगों से मिलना है, इतनी फोन कॉल्स मुझे करनी ही करनी है, और ये एक्शंस आपके तब तक चलने चाहिए जब तक आपका रिजल्ट ना जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके एक्शंस फिर रिपीट होंगे, लगातार रिपीट होंगे, और आपको इनको इम्प्रूव करते चले जाना है, आपको अपने पास फेलियर से सीखना है, जो पास में आपने गलतियाँ की है कुछ भी इन एनी टर्म्स, आपको उस एक्सपीरियंस से सीखना है और सीख के उसको आगे इम्प्लीमेंट करना है। आमतौर पर हम यही गलती करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते नहीं है, अगर सीखते हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो आप डेली उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, डेली फोकस रखिए कि मैंने अगर इतने लोगों से मिलना है तो मिलना ही मिलना है, और एनी डैम प्राइस, अगर मैंने डेली इतनी टीम बिल्ड करनी है तो बिल्ड करनी ही करनी है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर या कुछ भी है, अगर डेली मैंने इतना सामान सेल आउट करना है तो करना ही करना है, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े आपको आपका टारगेट हर हाल में पूरा करना ही करना है, भैया आपके माइंड में हर वक्त होना चाहिए। इसलिए आपको मैं छोटी सी एक आपकी मदद भी कर देता हूँ, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आप अपनी हथेली पे लिखिए कि मुझे आज इतना करना है, ये थैली आपके सामने रहेगी सारा दिन, राइट। अपने पर्स में छोटी सी बुकलेट रखिए, जो भी आप चीज़ आपके पास रखते हो, अपने पास पेज रखिए, जैसे भी कुछ चीज़ निकालते हो, जेब से रुमाल निकालते हो, कुछ पेज निकालिए, आपको पता होना चाहिए यार मैंने अभी जो काम करना है इस टारगेट को पूरा करने के लिए करना ही करना है। अपने घर में एक विजन बोर्ड बनाइए, वो विजन बोर्ड आपके रूम में होना चाहिए, जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ पे वो होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि मुझे मैं आज उठ के जो भी काम करूँ अपना वो इस विज़न को पूरा करने के लिए होना चाहिए, वो इस टारगेट को पूरा करने के लिए होना चाहिए। उस विज़न बोर्ड में इस साल आपने जो भी अचीव करना है वहाँ पे उसकी तस्वीरें होनी चाहिए। सो दोस्तों, टारगेट आपका बहुत आसानी से अचीव होगा अगर आप इसको प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उस एक्शन को रिजल्ट में आप बदलते हैं, तो आई थिंक सो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो होप सो मेरे कुछ टिप्स आपके काम आए, आई विश यू वेरी गुड लक कि 2017 आपकी कामयाबी का साल हो, आपने जो भी सोचा जो भी ठाना हो वो आपका ज़रूर पूरा हो। माई बेस्ट विशेज विद फॉर यू, ऑलवेज विद यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।